यात्रा में हम कहीं भी फूलमाला पहन करके स्वागत हिंदुओं का स्वीकार इसलिए नहीं करेंगे जब तक यह हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाएगा, जब तक इस देश से छुआछूत नहीं मिट जाएगा। ने कहा है कि जिसका मांस खा रहे हो वो तुम्हें चीत चीत के खाएगा आज नहीं तो कल। खुद ही प्रेमानंद महाराज जीवों की हत्या कर रहे हैं। जितने भी लोग मांस खाते हैं वो इस बात को गांठ बांध के सुन ले। और अभी अभी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लगभग 200 जीवों की हत्या करने जा रहे हैं। दोस्तों, आजकल मांस मछली खाने वालों को काफी सारी नसीहत दी जा रही है और खास तौर पे बाबाओं के द्वारा, जिसमें दो बाबा काफी आजकल चर्चा का विषय बने हुए हैं। और पहला है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और दूसरा है प्रेमानंद महाराज। ये दो लोग जो है कि काफी आजकल मांस मछली खाने वालों को लेकर जो है कि काफी सारे जो है कि ज्ञान पेलते हुए नजर आते हैं। जितने भी लोग मांस खाते हैं वो इस बात को गांठ बांध के सुन ले। अच्छा, गंदा आहार भोजन मानवों के लिए नहीं है। अभी पता चले तुम जिसका मांस खा रहे हो वो तुम्हें चीत चीत के खाएगा आज नहीं तो कल। वाओ। और नहीं तो ऐसे रोड में फैला तुम्हारा मांस फिरेगा कि कोई खाने वाला भी नहीं होगा। क्या साबित करना चाहता है तू? अभी पता चले। और ये लोग बार बार कहते हैं कि हमें जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब भी हम किसी जीव को काटते हैं तो उन्हें भी तकलीफ होती है, उन्हें भी दर्द होता है, उन्हें भी अपनी जान की माया होती है। इसलिए अपना पेट पालने के लिए, अपना पेट भरने के लिए किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। मैंने भी सोचा हाँ यार ये बात तो सही है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जो लोग ये ज्ञान हमें दे रहे हैं, ठीक है, हमें जिस विषय पर समझा रहे हैं, क्या उसका पालन ये लोग भी करते हैं या नहीं। बात तो सही है। खैर दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यदि आप इस पर विश्वास करते हैं कि पेड़ पौधे फूल पत्तियों में भी जीव होती है, अगर आप इस पर भी विश्वास करते हैं तो मेरी वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। उससे मेरा क्या फायदा? दोस्तों, पहले साइड हमारे देखिए प्रेमानंद महाराज हैं और दूसरे साइड हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। अब ये प्रेमानंद महाराज हैं जो कहते हैं कि हमें जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप पहले इन्हें देखिए खुद पैरों से जो है कि फूलों को कुचलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और दूसरा ये है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो आजकल पदयात्रा कर रहे हैं, यानी हिंदू एकता पदयात्रा कर रहे हैं, जिनके पदयात्रा में लगभग 200 क्विंटल फूल यानी कि लगभग 199 हाथियों के बच्चों के बराबर जो है कि फूल लाया जाएगा और इनके पैरों में बिछाया जाएगा और ये भी कुचलते हुए उन फूलों को आगे बढ़ेंगे। तोबा, तोबा, तोबा। दोस्तों, ये वही दो लोग हैं जो जीव हत्या को लेकर काफी सारे जो है कि ज्ञान देते रहते हैं। खैर, मुझे इनके इन हरकतों पर एक जो है कि कहावत काफी याद आ रही है कि पत्थरों को खुश करने के लिए फूलों का कत्ल कराए हैं हम, और एक गुनाह मिटाने गए थे, बाद में पता चला कि एक और गुनाह कराए हम। दोस्तों, जब हम किसी फूल को तोड़ते हैं या फिर किसी वृक्ष को काटते हैं तो सिर्फ हम वृक्ष को नहीं काटते या फिर सिर्फ फूल को नहीं तोड़ते, बल्कि उससे जुड़े कई जीवों के भोजन का अस्तित्व ही मिटा देते हैं। यानी एक तरह से कहें कि अगर हम किसी भूखे व्यक्ति के आगे से थाली घींच लें यानी खाना घींच लें तो व्यक्ति खाए बिना मर सकता है। लेकिन फूलों से और भी बहुत सारे जीव हैं छोटे छोटे जो कि उससे जुड़े होते हैं, उससे जिंदा रहते हैं, चाहे मधुमक्खी को ले लो, ठीक है, क्योंकि कहा जाता है ना कि जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो फूलों से जो है कि रस चूस कर ले जाकर जो है कि अपने लिए खाने के लिए इकट्ठा करती हैं। यानी इससे ये साबित होता है कि फूलों से जो है कि बहुत सारे जीव जंतुओं का अस्तित्व जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो कि फूल तोड़कर प्रेमानंद जी के पैरों में डाल दिया जा रहा है और प्रेमानंद जी उन जीवों के आहार को पैरों से कुचलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यानी एक तरह से कहा जाए तो खुद ही प्रेमानंद महाराज जीवों की हत्या कर रहे हैं। और अभी अभी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 200 क्विंटल फूलों के साथ लगभग 200 जीवों की हत्या करने जा रहे हैं। यात्रा में हम कहीं भी फूलमाला पहन करके स्वागत हिंदुओं का स्वीकार इसलिए नहीं करेंगे जब तक यह हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाएगा, जब तक इस देश से छुआछूत नहीं मिट जाएगा। ने कहा है कि हम फूलमाला नहीं पहनेंगे। क्या ये सत्य है कि 200 क्विंटल फूल आ रहे हैं? हमारी तरफ से तो नहीं आ रहे हैं, अब कोई ला रहा है तो अब हम मना नहीं कर सकते हैं, वो अपनी इच्छा से ला रहा है। 200 क्विंटल का 500 क्विंटल अगर फूलों ने डालना हो तो हम क्या कर देंगे? जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। तो ये वही लोग हैं जो जीव हत्या को लेकर ज्ञान देते रहते हैं लेकिन खुद ही जीव हत्या कर रहे हैं। अगर आप इनसे कोई सवाल करोगे तो कहेंगे ना ना ना, ये तो हमारे लिए बने ही हैं। भैया, क्यों तुम्हारे लिए बने हैं? तुम्हारे पैरों से कुचलने के लिए बने हैं? अगर हाँ, कहीं लिखा है किसी शास्त्र धर्म में कहीं भी लिखा है कि नहीं फूलों को तुम्हारे पैरों से कुचलने के लिए बनाया गया है, तो भाई हमें दिखा दो। दोस्तों, ऐसा तो नहीं है ना कि जो जीव ताक रहा है, देख रहा है,
रो रहा है, आप उसके संरक्षण में खड़े हो जाएंगे, उसको बचाएंगे, और जो नहीं बोल रहा है आप उसका गला ही काट देंगे। तो फूल पत्ती यही है ना कि फूल बेचारे बोल नहीं रहे हैं, वो चीख नहीं रहे हैं, वो चिल्ला नहीं रहे, तो आप उसको तोड़कर पैरों से कुचल रहे हो, रगड़ रहे हो। तो ये सोचने में बड़ा मजबूर हूँ कि ये लोग कहते हैं कि पूरी सृष्टि को भगवान ने बनाया है, तो फिर सारे धर्म एक क्यों नहीं है? और जब धर्म एक है तो फिर ये लोग झगड़ा किस बात का कर रहे हैं, कोई हिंदू को लेकर, कोई मुसलमान को लेकर। आजकल धीरेन्द्र किशोर शास्त्री जो है कि सनातन धर्म पदयात्रा कर रहे हैं, हिंदू एकता पदयात्रा कर रहे हैं, जिसमें लगातार वो मुसलमानों के खिलाफ बोल रहा है वो बंदा। और दोस्तों मैं कभी कभी सोचता हूँ ना, तो यही सोचता हूँ कि किसी भी धार्मिक किताब को किसी भगवान ने नहीं लिखा है, बल्कि भूतकाल में प्राचीन राजाओं ने अपने साम्राज्य के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने प्रजातंत्र के लिए जो है कि कोई नियम कानून जैसी किताबें लिखी थी, जिसको आजकल ये लोग 21वीं सदी में अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि लोगों को गुलाम बनाकर अपना जो है कि फायदा निकाला जाए। समझ आ रहा है? और किसी धार्मिक किताब को किसी भगवान ने नहीं लिखा, मेरा कभी कभी मानना ऐसा होता है। बाकी आप लोगों का क्या कहना है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।